एक्चुअली हम कल जो मार्केट में जो एक्सीडेंट हुआ उस समय में एक्चुअली हम स्टेशन में नहीं थे, हम कुछ हमारा अपना बच्चा था ये स्कूल एडमिशन लिया, थोड़ा बिजी था। तो स्कूल में जब एडमिशन करते समय में हमको फ़ोन किया, यहाँ ऐसा लफड़ा हो रहा है, ऐसा ये झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है। तो हम एक्चुअली हम ऐसा दुकान में ऐसा हुआ है बोल के मालूम नहीं था, कोई मार्केट में ऐसा हुआ है बोल के। तो स्कूल से आने के बाद में तो हम पता चला है कि ये दुकान में ऐसा हुआ। तो ये तो हम आपका चैनल का मैडम से हम उसको हम एज है आई एम आ प्रेसिडेंट और हमारा जनरल सेक्रेटरी है, तो हम दोनों का तरफ से हम इसको बिल्कुल हम अपना तरफ से हम कामधाम करते हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। हमारा एक बहुत ही दुख का बात है, अपना हम एक मार्केट का एक लीडर होके तो अपना मेंबर का साथ में अपना शॉप कीपर का साथ में दुकानदार का साथ में ये ऐसा थिंग करना है, ये करना हो तो हम बहुत ये दुखी का बात है, उसको हम भी ठीक नहीं मानते हैं। अच्छा, आप लोग का इलेक्शन में मैंने कहीं वीडियो सुना, कॉर्पोरेटर ने भी कहा पैसा कलेक्शन नहीं करेंगे, आप लोग मेंबरशिप का फी का लाभ नहीं, करोड़ करोड़ मनी क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज के लिए आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं? गलत है ये, आप मार्केट से पूछिए। अभी आपने कुछ सुना? देखिए वो म्यूनिसिपल लोग को बोलने से वो सब कुछ सही है बोल के ऐसा नहीं है, हम इसलिए आप भी उनका बात भी हम सुन के हम उनको भी जवाब दिया। ये ऐसा आदमी को जो चीज़ को नहीं जानते ऐसे ऐसा ही चीज़ को नहीं जानते आदमी को ज़्यादा में ऐसा वर्णन नहीं करना है, एलिगेशन नहीं डालना है। मनी रिसीप भी मैंने कहीं देखा था। नहीं, मनी रिसीप तो वो देखो वो परमोलिति वो आपका सदियों से ये आ रहा है, वो आईमा जो एक नॉन पोलिटिकल बॉडी है, ये एनजीओ है, ये पॉलिटिकल बॉडी नहीं है, नॉन पॉलिटिकल बॉडी है, ये एनजीओ वेलफेयर है। तो वेलफेयर को एनजीओ को चलाने के लिए तो हमको भी कोई अच्छा पता है तो हमको भी एक दो रुपया कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, एक दो सौ रुपया कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, वही एक दो रुपया कॉन्ट्रीब्यूट से तो हम अपना एनजीओ को चलाने लगते हैं। तो हम तो सरकार से तो नहीं लेते हैं, वही यहाँ से हमारा कोऑपरेटर लोग से हम नहीं लेते हैं, हम जो हमको दुकानदार जो अच्छा पाते हैं एक दो सौ रुपया कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसी से हम अपना आईमा को चला लेते हैं, अपना ये एनजीओ को चला लेते हैं। वही है लास्ट एक सवाल, आपका जो आईमा टीम जो है खुद से ही कुछ कुछ सामान जो है सप्लाई कर रहा है, ऐसे मार्केट में सुनने को मिला जैसे कि अंडा हो गया, तो ये कहाँ तक सच है ये बात? देखिए वो आदमी आदमी का बिजनेस है, उसको हम भी नहीं बोल सकेगा क्योंकि वो हर आदमी आज का दिन में मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, तो आदमी जो बिजनेस इंटरेस्ट है तो कोई भी आदमी करने के लिए रहते हैं, और आदमी जियो और जीने दो तो वो तो सब जीना है, तो हर आदमी का करने का हक है तो करना है। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा मार्केट जो इन्वॉल्वमेंट होके उसको ही करने दिया उसी को करने नहीं दिया, ऐसा बात नहीं है, वो तो गलत बात है। जो अगर हम कुछ कॉम्पिस है तो आदमी हमको भी क्लियरली बोल सकता है, यही है मेरा।